हेलो गाइस, आप ग्रेवी पकौड़े की रेसिपी बता रही हूँ, उसके अब विधि सामग्री देखिए। बेसन लेंगे, मटर लेंगे, मिर्चा लेंगे, सूखा लहसुन लेंगे छिला हुआ, दो टमाटर चटनी के लिए, मिर्चा लहसुन धनिया ये चटनी का सामग्री है, ये दो सीटी आलू को उबाल लेंगे और ब्रेड लेंगे। गाइस देखिए आलू उबल चुका है, उसको थोड़ा सा पीस लिए हैं। अब इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिक्स कर लेंगे। गाइस देखिए पेस्ट बन चुका हुआ है, इसका पेस्ट इस तरह रहना चाहिए, इनमें पतला ना मोटा इतना रहना चाहिए। आलू का पेस्ट बन के मतलब उसका ये बेगर बनकर तैयार है। अब ब्रेड लेंगे, ब्रेड को इस तरह निशान लगाकर इसको काट लेंगे। गाइस देखिए आलू लगा कर इस तरह इसी तरह देखिए इसमें आलू हम बैठ चुके हैं भैया, इसको हम फ्राई करेंगे। चारों तरफ बेगर को लगाकर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। गाइस देखिए एक तरफ से लाल हो चुका है, अब दूसरे तरफ से हम पलट लेंगे। दूसरी तरह से भी हम उसको लाल करेंगे। गाइस देखिए अब दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। गाइस देखिए इसको हम बीच में से इसको स्लाइस को दो टुकड़ों में कर लेंगे। हरी चटनी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। देखिए ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार हो चुका है, आप लोग अपने घर पर बनाइए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। नमस्कार।